आप अगर इंडिया में रहते हैं दोस्तों तो घर के किचन से लेकर आसमान के सफर तक हर जगह टाटा का नाम ही नजर आएगा। नमक मसाला हो, चाय पानी कॉफी, घड़ी हो, ज्वेलरी हो, लग्जरी कार, बस, ट्रक, हवाई सफर, टाटा ग्रुप का कारोबार हर फील्ड में फैला हुआ है। 157 साल पुराने इस ग्रुप को जमशेद जी टाटा ने शुरू किया था, जिसे आज रतन टाटा संभाल रहे हैं। सन 1868 में बनी इस कंपनी ने भारतीयों के दिलों में अपनी अलग ही छाप छोड़ी है। 21 लाख करोड़ रुपए की कंपनी आज रतन टाटा की कमान में जरूर है, लेकिन क्या आपने बात सोची है कि 84 वर्षीय रतन टाटा के बाद इस कंपनी को कौन संभालेगा, क्योंकि उनकी खुद की कोई संतान तो है नहीं। चलिए आज की वीडियो में आपको बताते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। दोस्तों आपको बता दें कि रतन टाटा ने 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी और तब से लेकर आज तक न जाने कितनी कंपनीज इस टाटा के ग्रुप में जुड़ चुकी हैं, और ये सारा चमत्कार हुआ रतन टाटा की बदौलत। अब चाहे वो घर घर में बनने वाली चाय के लिए टाटा टी हो या फिर वो हवा में उड़ने वाला प्लेन, टाटा कंपनी हर जगह सबसे ऊपर नजर आती है। बस, ट्रक, स्टील, केमिकल, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टमेंट, दोस्तों गिनते गिनते भले ये वीडियो खत्म हो जाएगी, लेकिन टाटा ग्रुप के प्रोडक्ट्स का नाम खत्म हो ऐसा तो ही नहीं सकता। पर दोस्तों जिस आसानी और स्मूथ तरीके से रतन टाटा ने इस बिजनेस को संभाला है, इस करोड़ों के बिजनेस को दुनिया भर में फैला कर जिस सहजता से रतन टाटा ने चलाया है, अब बात ही उठती है कि क्या कोई और भी इतनी आसानी से इस बिजनेस को संभाल पाएगा, कौन होगा वो, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 2022 में टाटा की वैल्यू 240 अरब डॉलर्स है, यानी कि 21 लाख करोड़ रुपए। क्यों दोस्तों, हो गए ना आप भी हैरान। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के अंदर लाखों लोग काम करते हैं। दोस्तों हमारे देश में टाटा ग्रुप की बहुत ही ज्यादा अहमियत है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर टाटा ग्रुप ने अपनी सारी कंपनियां बंद कर दी तो देश के लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर टाटा अपना चैरिटेबल ट्रस्ट बंद कर दे तब भी लाखों लोगों के जीवन में तूफान आ जाएगा। इंडिया के नहीं बल्कि दुनिया के लाखों लोगों का भविष्य टाटा ग्रुप पर टिका हुआ है। आपको बता दें कि 1991 से लेकर 2012 तक रतन टाटा ही टाटा सन्स के चेयरमैन थे, लेकिन 2013 में उन्होंने इस्तीफा देकर साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बना दिया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकता है, और ऐसा ही कुछ हुआ साइरस मिस्त्री के साथ। आपको बता दें कि साइरस मिस्त्री 4 साल भी इस पद को नहीं संभाल पाए, लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था बल्कि टाटा ग्रुप के बोर्ड ने इन्हें निकाल दिया था। एक्चुअली इनके और रतन टाटा के बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए थे, जिसके बाद टाटा ग्रुप के बोर्ड ने इन्हें हटाने का फैसला किया। साथ ही साथ रतन टाटा खुद इस बोर्ड के मेंबर थे। अब सवाल ये उठकर आता है कि साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स का चेयरमैन आखिर चुना ही क्यों गया था। दोस्तों इसके पीछे की कई वजह थी। पहली तो ये कि साइरस मिस्त्री रतन टाटा के सिर्फ बिजनेस पार्टनर ही नहीं थे बल्कि इन दोनों के फैमिली रिलेशंस थे। साइरस मिस्त्री और रतन टाटा काफी करीबी माने जाते थे। दोस्तों सन 1930 से साइरस मिस्त्री के दादा शफूरजी मिस्त्री टाटा सन्स में हिस्सेदार थे, और तभी से दोनों की फैमिलीज में काफी अच्छे रिलेशंस थे। इतना ही नहीं, रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा की शादी भी साइरस मिस्त्री की बहन अलू मिस्त्री से ही हुई है। और दोस्तों ये कहानी यही खत्म नहीं हुई, बल्कि साइरस मिस्त्री के पिताजी पेलोनजी मिस्त्री भी टाटा सन्स के हिस्सेदार थे। और फिर पेलोनजी मिस्त्री की एग्जिट के बाद 2006 में साइरस मिस्त्री इस कंपनी की हिस्सेदारी से जुड़ गए, और 2012 में रतन टाटा ने उन्हें टाटा सन्स की जिम्मेदारी सौंपी। मगर दोस्तों शायद साइरस मिस्त्री का बिजनेस करने का तरीका टाटा ग्रुप के ज्यादातर लोगों और खुद रतन टाटा को पसंद नहीं आया। उन्होंने कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिसे टाटा पॉलिसी के खिलाफ समझा गया, जैसे कपड़े का बिजनेस करने वाली कंपनियों को बंद करना, नैनो कार को बंद करने का फैसला, घाटे में चल रही सभी कंपनियों को बंद करवाने का फैसला, यहाँ तक कि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी डोकोमो को बेचने के फैसले ने उनके जाने के रास्ते पूरी तरह से खोल दिए। साइरस मिस्त्री के इन्हीं सब फैसलों से रतन टाटा को लगा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला गुरु। उन्हें लगा कि ऐसे तो साइरस मिस्त्री टाटा सन्स की कमाल अच्छे से नहीं संभाल पाएंगे, और इसीलिए साइरस मिस्त्री को उनके पद से निकाल दिया गया। अब दोस्तों साइरस मिस्त्री को निकालने के बाद वापस से टाटा ग्रुप को रतन टाटा ने संभाला, पर उन्हें काम ज्यादा टाइम तक नहीं संभालना पड़ा, क्योंकि साल 2017 में रतन टाटा को एक ऐसा आदमी मिल गया था जो इस पद के लिए बिल्कुल सही था और टाटा की सारी कंपनीज को अच्छे से संभाल सकता था। इनका नाम था नटराजन चंद्रशेखरन, जो आज तक टाटा सन्स की कमान संभाल उसके चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि टाटा ग्रुप के मेन प्रमोटर और प्रिंसिपल इन्वेस्टर टाटा सन्स ही हैं, और अब टाटा के चैरिटेबल ट्रस्ट के हेड रतन टाटा ही हैं। आपको बता दें कि टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी 66% है,
और अब इस ट्रस्ट में सायरस मिस्त्री के चचेरे भाई मेली मिस्त्री हैं। दोस्तों अभी तक रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा के बच्चे इस ट्रस्ट के हिस्सेदार नहीं थे, मगर अब टाटा सन्स की सब्सिडियरी टाटा मेडिकल सेंटर में उनके तीनों बच्चों को शामिल कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों अब आप ये बात भी जान लें कि नटराजन चंद्रशेखर को उसके पद से हटाने का रतन टाटा का दूर दूर तक कोई भी इरादा नहीं है। दोस्तों अब रतन टाटा का कहना है कि अब टाटा ग्रुप इतना ज्यादा बड़ा हो गया है कि टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट की जिम्मेदारी कोई एक इंसान नहीं संभाल सकता है। किसी एक इंसान को दोनों जगह का चेयरमैन नहीं बनाया जा सकता। पर दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है कि ऐसा करना मुश्किल ही है। रतन टाटा ने काफी सटीक बात कही है, क्योंकि टाटा ग्रुप इस वक्त सच में बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। आपको बता दें कि आज स्टॉक मार्केट में टाटा ग्रुप की 17 कंपनियां लिस्टेड हैं, जिनमें सबसे बड़ी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो आज के टाइम में रिलायंस के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। दोस्तों टाटा हर एक सेक्टर में मौजूद है। दोस्तों अगर हम साइंस और रिटेल सेक्टर की बात करें तो टाटा की चाय, कॉफी, पानी, बिस्किट, ज्वेलरी, टाइटन वॉचेस, नमक, मसाले और यहाँ तक कि स्टारबक्स तक भी टाटा की पहुंच है। दोस्तों ये बात तो सच है कि जहाँ टाटा है वहाँ किसी और कंपनी का सिक्का नहीं चलता है। दोस्तों आज भी देख लीजिए, आपके घर में जो भी सामान होगा उसमें कुछ ना कुछ टाटा कंपनी का जरूरी होगा, अब चाहे वो आपके किचन का सामान हो या फिर आपके घर की ज्वेलरी। चलिए हम चाहे ऑटोमोटिव सेक्टर्स में ही देख लें, टाटा ने नैनो कार के रूप में एक ऐसी गाड़ी बना डाली जो आम आदमी भी आसानी से अफोर्ड कर सकता था। अब दोस्तों चाहे नैनो तो नहीं चली, पर टाटा की बस, ट्रक, जगुआर तक टाटा के ही ब्रांड्स हैं, और इन ब्रांड्स की मार्केट में अलग ही पहचान बनी हुई है। दोस्तों हम बस जमीन की बात क्यों करें, आसमान में भी अब टाटा छाएगा, जिसका कमाल पूरी पूरी दुनिया देखेगी। एयर इंडिया, जिसे एक वक्त पहले टाटा के हाथों से छीन लिया गया था, अब दोबारा से वो टाटा के अंडर आ गया है। टाटा का कहना है कि वो दिन दूर नहीं है जब एयर इंडिया को दुनिया की सबसे बेहतर फ्लाइट का दर्जा मिलने वाला है। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए, इतनी बड़ी कमिटमेंट पूरी करने के लिए और इतने बड़े ग्रुप को संभालने के लिए ऐसे ही थोड़ी ना इस कंपनी के चेयरमैन की सीट किसी को भी दे दी जाए। नटराजन चंद्रशेखरन ने खुद को इस कंपनी का चेयरमैन बने रहने के लिए कई बार खुद को साबित किया है, उन्होंने सही तरीके से टाटा ग्रुप को चलाकर दिखाया। दोस्तों जिस टाइम नटराजन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया था, उस टाइम टाटा सन्स की कई कंपनियां डूबने वाली थी। टाटा स्टील यूरोप में एक डिस्प्यूट से गुजर रही थी। टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस भी काफी कमजोर हो गया था। इतना ही नहीं, टाटा मोटर्स 22,000 के कर्ज में डूब गई थी। इसलिए शुरुआत से ही नटराजन चंद्रशेखरन की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी, पर उनसे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ज्यादा थी। और नटराजन चंद्रशेखरन अपने पहले साल में ही अभी एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरते दिखे। उन्होंने टाटा को संभाला और वापस से खड़ा किया। तो दोस्तों अब आप हमें बताइए कि क्या आपको लगता है कि आगे भी नटराजन चंद्रशेखरन ही कंपनी संभालेंगे, या कहानी में आएगा ट्विस्ट? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।